क्या तन मांज तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांज तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले हो, पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना हे, समय चूक पछताना। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। चार जना मिल गढ़ी बनाई, चढ़ा काठ की डोली, चार जना मिल गढ़ी बनाई, चढ़ा काठ की डोली, चारों तरफ से आग लगा दी हो, चारों तरफ से आग लगा दी, फूंक दैर जैसे हो रही हे, फूंक दैर जैसे हो रही। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। जले जैसे बन की लकड़िया, केस जले रे जैसे घासा हे, हाड़ जले जैसे बन की लकड़िया, केस जले जैसे घासा रे, हाड़ जले जैसे बन की लकड़िया, केस जले जैसे घासा, कंचन जैसी काया जल गई हो, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना ये पासा हे, कोई ना ये पासा। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। तेरी तेरी आरो वै, तेरा दिना तेरा भाई, तीन दिना तेरी तेरी आरो वै, तेरा दिना तेरा भाई, जन्म जन्म तेरी माता रो वै, जन्म जन्म तेरी माता रे रोवे, करके आस पराई हे, करके आस पराई। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। माटी ओढ़ना माटी बिछौना, माटी का सिरहाना रे, माटी ओढ़ना माटी बिछौना, माटी का सिरहाना रे, माटी ओढ़ना माटी बिछौना, माटी का सिरहाना। कहे कबीरा सुन ले रे बर्दे हो, कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, ये जग आना जाना हे, ये जग आना जाना। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। ओम शांति। उपनिषदों में
एक बहुत प्रसिद्ध राजा की कहानी है, पांडवों और कौरवों के जो पूर्वज थे, राजा ययाति। 100 साल की उम्र हो गई, मृत्यु लेने आई, पर ययाति ने कहा, अभी तक तो मैंने जीवन जिया ही नहीं, अभी तो इच्छा है, अभी बहुत बाकी है, अभी तो मन जवान है, जो कुछ जीवन में करना था अभी तक तो कुछ नहीं किया, अभी तो बहुत सारे भोग विलास बाकी है, मुझे थोड़ा समय और दो। मृत्यु ने कहा, समय तो मैं नहीं दे सकती, हाँ अगर तुम नहीं आना चाहते हो तो तुम्हारे स्थान पर किसी और को ले जाऊंगी। ययाति के 100 पुत्र थे, वासना और भोग में इतना डूबा था कि अपने पुत्रों से अनुनय विनय की, गिड़गिड़ाया कि मेरे स्थान पर तुम जा सकोगे? कोई बेटा 60 साल का है, कोई 70, कोई 50, सब ने बहाने बनाए। किसी ने कहा, हम तो अभी जवान हैं, अभी तो जीवन देखना बाकी है, जीवन के मीठे कड़वे अनुभव कुछ नहीं लिए हैं, सारी जवानी बाकी है। सबसे छोटा बेटा 20 साल का, वो कहता है, मैं जाऊंगा, मृत्यु तुम मुझे ले जाओ, मेरे पिताजी को मेरी जवानी दे दो। पिता खुश हो जाते हैं कि ये है मेरा सच्चा वारिस जो मेरे लिए मरने को तैयार है। पर मृत्यु को भी दया आती है, उस बेटे से कहती है, तुमने अभी जीवन में देखा ही क्या है, इतने जल्दी तुम जाना चाहते हो? वो बेटा कहता है, मेरे पिताजी 100 साल जीकर भी अभी भी अपूर्ण है उनकी इच्छाएं, तो मैं और आगे जीकर क्या करूं? जीवन के इस खेल को मैंने अभी समझ लिया है। परंतु उस बेटे की उस बात को सुनकर भी ययाति को होश नहीं आता, ऐसा बेहोश है। और कहा जाता है बेटा मर जाता है, बेटे की उम्र पिता को लगती है, 100 साल फिर पूरे होते हैं, फिर मृत्यु आती है, परंतु अभी भोग पूरे हुए कहाँ, फिर गिड़गिड़ाता है, तब तक और दूसरे नए 100 पुत्र हो चुके हैं, फिर कोई और जाता है उसकी जगह, ऐसा 10 बार होता है, 1000 वर्ष हो गया ऐसा दिखाया हुआ है, फिर मृत्यु आती है, वो कहता है, अब मैं जाने को तैयार हूँ, इसलिए नहीं कि मेरी इच्छाएं पूर्ण हो गई है, इच्छाएं तो पूर्ण अभी हुई ही नहीं है, परंतु मैं एक बात समझ चुका हूँ कि इच्छाएं दुष्पूर्ण है, कभी पूर्ण नहीं होती, वासनाएं उस मटके की तरह है जिसमें 100 छेद है, इच्छाएं उस भिक्षा पात्र की तरह है जिसकी कोई तलहटी नहीं है, वो कभी भी भरता नहीं, कितना भी कोशिश करो इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती, कितना भी भोग में डूबे रहो वो मटका छिद्र से भरा है। व्यक्ति सोचता है ये पूर्ण कर लूं फिर खुश हो जाऊंगा, पर कभी हो नहीं पाता, और इस प्रक्रिया में जीवन भस्म हो जाता है। सुबह की साकार मुरली, हरेक यहाँ पर कौन है? भस्मासुर। क्या करते हैं? स्वयं को ही भस्म कर देते हैं, और सारी दुनिया भस्म हुई है काम चिता पर बैठ के। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाने, क्योंकि तुम देवता बनने वाले हो, काम चिता पर बैठकर काले बन गए हो, भोग 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 कर, इच्छाएं तो पूर्ण हुई ही नहीं, कामना अभी भी बाकी ही है, देह का संग असत है। आज सुबह के महावाक्य, देह का संग असत है, एक ही सत्संग है, और केवल तुम ही जानते हो सत्संग। भक्ति मार्ग में भी किसी को सत्संग बतानी, वो कहते हैं सत्संग में जा रहे, परंतु वो सत्संग है नहीं, सत्संग में केवल तुम हो, क्योंकि सत्य बाप के संग में तुम हो, और संग की परिभाषा है संग अर्थात याद। सुबह की साकार
मुरली। नशा चढ़ाने वाली मुरली है। प्रश्न पूछो अपने आप से, क्या मैं सच के संग में हूं, क्या मेरे दिल सच्ची है। उस सच के संग से भी पहले है स्वयं का संग, क्या मैं अपनी आत्मा के संग में हूं, आत्मा के साथ सत्य स्वरूप में स्थित हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, सुख शांति स्वरूप हूं, प्रेम आनंद स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, क्या हूं। ऑलमाइटी अथॉरिटी तुम हो, साकार मुरली आज की। देह का संग सबसे झूठा संग है। देह का चिंतन करना देह के संग का चिंतन है। देह और देह की दुनिया, इसी में डूबे रहना अर्थात भस्मासुर बनना। शास्त्रों में दिखाया है भस्मासुर शिव से ही वरदान लेता है कि जिसके सिर पर हाथ रख दूंगा वो भस्म, ऐसा मुझे वरदान दो, और फिर शिव के ही पीछे भागता है। शंकर जी को मुसीबत हो जाती है वरदान देकर, विष्णु जी के पास भागते। विष्णु जी दिखाया है मोहिनी अवतार लेते हैं, उसको मोहित करते हैं, नृत्य करती है मोहिनी, और नृत्य करते करते अपने ही सिर पर हाथ रख देती है, और जैसे मोहिनी करती है वैसे वो भस्मासुर भी करता है, और करते करते अपने ही सिर पर हाथ रख देता है और भस्म हो जाता है। तुम हर एक भस्मासुर हो, स्वयं को भस्म करते हो। कैसे? काम चिता पर बैठकर। तो ये जो इंद्रिय सुख है, ये जो देह का संग है, ये देह का संग ही भस्मासुर है। और कैसे इसको हम समाप्त करें, तो आज हम चर्चा करेंगे देह संग के भस्मासुर की। सबसे पहले तो ये समझना है कि ये जो भस्मासुर है ये करता क्या है, इसमें दोष क्या है। भस्मासुर अर्थात देह संग अर्थात इंद्रिय सुख, कोई भी इंद्रिय सुख, कोई भी शरीर का सुख, उसमें दोष है। और जब तक उन दोषों का चिंतन ना हो वैराग्य नहीं आता है। व्यक्ति उन देह के सुखों में ही डूबा रहता है, और देह सुख अर्थात आंखों से प्राप्त होने वाला सुख, कानों से प्राप्त होने वाला सुख, जबान से प्राप्त होने वाला सुख, शरीर की इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख, इंद्रिय सुख। ज्ञान सरोवर में कहीं तो लिखा हुआ है बोर्ड पर, इंद्रियों का आकर्षण ही सर्व दुखों का कारण है, कहीं लगा है ना पोस्टर। क्या है इस इंद्रिय सुख में, कैसा ये मादकता है, कैसा नशा है कि एक बार उसमें व्यक्ति डूबता है तो निकलता ही नहीं है। ब्राह्मण जीवन को नष्ट कर देता है। अच्छे अच्छे तीव्र पुरुषार्थी, जो तीव्र पुरुषार्थ में अग्रसर है, उनके मन में भी ये देह का सुख, ये इंद्रियों का सुख, ये इंद्रियों की माया प्रवेश कर जाती है और आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। तो देह का ये जो सुख है इसमें कुछ दोष है। ऐसे 21 दोषों की हम चर्चा करेंगे, और चर्चा मात्र या चिंतन मात्र करते करते ही उनसे वैराग्य आ जाता है, जब हम उनके स्वभाव को समझते हैं। यदि हमारे सामने बहुत सुंदर पात्र है जिसमें बहुत सारे मिष्ठान्न हैं, इतना सारा भोजन बनाया हुआ है, सुगंध आ रही है, और सारी हमारी पसंदीदा चीजें हैं उसमें, और हम दो दिन से भूखे हैं, और हम अब सामने भोजन की थाली आ गई, किसने कहा जितना खा सकते हो खा लो, सब कुछ तुम्हारे लिए है, और अब हम खाने ही वाले हैं, तो कोई कान में आके कहता इसमें जहर है, तो खाएंगे क्या, भूख बहुत है,
और सारा पसंदीदा बना हुआ है, पर कोई कह दे कि इसमें जहर मिश्रित है। तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसी तरह संसार के सारे भोग केवल काम नहीं, इंद्रियों के सारे सुख, इंद्रियों के सारे सुख, जहां भोग है वहां योग नहीं। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, इन्वर्टेड कॉमा। सबसे पहला दोष इंद्रिय सुख का अटैचमेंट, गहरी अटैचमेंट क्रिएट करता है। एक बार भोगा, एक बार खाया, एक बार उपभोग किया तो उसमें अटैचमेंट हो जाती है और आगे गुलाम हम उसके बन जाते हैं। फिर वही चाहिए, वो स्पर्श हो सकता है, स्वाद हो सकता है, काम हो सकता है, आंखों का कोई सुख हो सकता है। इसीलिए इंटरनेट की माया सारी दुनिया में छाई है, आंखें चिपक जाती है उस पे। और गुलाम बन जाती है, आंखें अपनी स्वतंत्रता खो देती है, आंखों की पैरों में बेड़ियां लगती है। समझना है कि ये चीज, अगर वो कोई खाने की वस्तु है, आज अगर खाई, ऐसा नहीं अध्याय पूरा हुआ, अध्याय किताब तो अभी शुरुआत हुई है, अगले दिन फिर वही इच्छा। हर इंद्रिय सुख में अटैचमेंट है, आसक्ति है, लगाव है, और गुलाम बना देता है। योगी वो है जो इंद्रियों की दासता से परे है, इंद्रियों की गुलामी से परे है, अपने इंद्रियों का जो स्वामी है। संडे की अव्यक्त मुरली इस ब्राह्मण परिवार की हरेक आत्मा स्वराज्य अधिकारी राजा है, ताज तख्त और तिलकदारी है, विशेष है, श्रेष्ठ है। छोटा परिवार, अलौकिक परिवार, सुंदर परिवार, अति न्यारा, अति प्यारा परिवार, स्वराज्य अधिकारी राजा। राजा अर्थात इंद्रिया नीचे, मैं ऊपर, शरीर नीचे, मैं ऊपर, शरीर से ज्यादा शक्तिशाली मैं हूं। सत्य के संग से तुम बलवान बनते हो, सुबह की साकार मुरली। सत्य के संग से तुम बलवान बनते हो, बलवान अर्थात शरीर से ऊपर उठी है चेतना, शरीर नीचे छूटा है। पहला दोष उसमें क्या है? अटैचमेंट और गुलामी। दूसरा दोष सभी इंद्रिय सुखों में जो है वो है बहुत ज्यादा दुख और बहुत कम सुख। सुख तो सभी इंद्रिय सुखों में है, ऐसे ही सारा संसार काम के पीछे पागल नहीं है। सुख तो सब में है, पर छोटे सुख के साथ बड़ा दुख है। सुख तो मिला, पर सुख तो चला गया, अब उसके पीछे दुख आया है, मिश्रित है। अतीन्द्रिय सुख एक ऐसा सुख है जिसमें कोई मिश्रण नहीं है। आत्मा अमृत वेले अतीन्द्रिय सुख में डूब जाए, जितना ज्यादा अतीन्द्रिय सुख होगा, इंद्रिय सुखों की इच्छाएं अपने आप कम हो जाएगी। आत्मा जितना अमृत वेले अशरीर बन के रह जाए, खो जाए, डूब जाए उस एक की याद में, उस सत्य की याद में, ये सत्य का संग पार कर देगा सभी असत्य से। क्योंकि देह असत्य है, आज की साकार मुरली बार बार कह रहे हैं, बाबा ने कहा देह असत्य है, इसको सत्य नहीं समझो। सबसे बड़ी माया ही ये है, और कोई माया है ही नहीं।
अलग अलग रूप से आएगी, कभी बीमारी के रूप में सताएगा देह, कभी आसक्ति के रूप में, कभी उत्तेजना के रूप में, कभी किसी और की देह, कभी अपनी देह। सारा पुरुषार्थ ही है, अशरीरी बनो। बहुत ज्यादा दुख और कम सुख, ये दूसरा। तीसरा, क्रेविंग। जैसे कोई दारू पीने वाला है, 30 साल दारू पीता है, उसने एक दिन छोड़ दिया, 4 दिन से पिया ही नहीं है, चौथे दिन उसको क्या होता है, तलब। क्या चाहिए उसको? चाहिए, शरीर मांग करता है, क्योंकि इतने लंबे समय से पी रहा है। विड्रॉल सिम्टम्स मेडिकल भाषा में कहते हैं, हाथ में कंपन होने लगता है, पसीने छूटने लगते हैं, धड़कन बढ़ने लगती है, बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है, और ये सिम्टम्स। उसने कितना दृढ़ संकल्प किया था कि मैं आज से छोड़ रहा हूं, 3 दिन तक छोड़ा, बिल्कुल पिया नहीं, पर चौथे दिन उसकी हालत ऐसी खराब हो जाती है कि जब तक उसका शरीर वो पीता नहीं है, शांत नहीं होता है, इसलिए छुड़ाना इतना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह इंद्रिय सुखों में भी क्रेविंग है। क्रेविंग अर्थात तलब, मांगता है, शरीर ही मांगने लगता है। इसको भी समझना है। और जिसने कभी दारू पी ही नहीं है, उसको वो क्रेविंग कभी है ही नहीं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम उसको टेस्ट करें और फिर उससे मुक्त होने की कोशिश करें। भगवान कह रहा है कि ये जहर है, कितनी सारी मुरलियों में आया है, विष है, पॉइजन है, जहर है, टेस्ट करने का सवाल ही नहीं है। रिजेक्ट। दूसरों के हाथ जल गए हैं आग में, हमें डालकर देखने की आवश्यकता नहीं है कि जलता है कि नहीं जलता है। क्रेविंग, उसके स्वभाव को समझना है। ये किया तो इससे क्रेविंग उत्पन्न होती है, चाहिए चाहिए की डिमांड होती है, अर्थात इसमें दोष है। 5 दिन रोज गुलाब जामुन खाओ भोजन के बाद, 6वें दिन चाहिए, ढूंढेंगे डिब्बा, कुछ ना कुछ कारण से यहां वहां जाएंगे, कुछ है क्या मीठा, क्रेविंग है उसमें। क्रेविंग भी गुलाम बना देती है। चौथा, डिसेप्शन, धोखा। दूर से दिखाई देता है वो सुख कितना अच्छा है, पर जाने के बाद और भोगने के बाद इतना अच्छा वो नहीं रहता है, वो धोखा था। कल्पना में बहुत अच्छा लगता है, पर वास्तव में इतना अच्छा वो है नहीं। बस यहां तक है टेस्ट, इधर से जाने के बाद उसका क्या हो रहा है किसको पता। धोखा है, सभी इंद्रिय सुखों में धोखा है। जो दिख रहा है वैसा है नहीं। मुखौटा है जो धोखा दे देता है। जब तक इंद्रिय सुखों के स्वभाव को नहीं समझा जाए, उससे मुक्ति नहीं हो सकती। कितनी मुरलियों में आता है, लास्ट संडे की मुरली, पुरानी दुनिया की कोई भी चीज स्वीकार नहीं करो। क्यों? क्योंकि क्योंकि धोखा है, और धोखा अर्थात दुख उठाना। इस संसार की हर चीज में धोखा है। वो स्वीकार की, मन में रखी, किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति लगाओ, एक दिन धोखा अवश्य मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति वो नहीं है जो दिखा रहा है, मुखौटे पहने हुए है, झूठ है अंदर, बाहर सच का मुखौटा है। इसलिए बाबा ने कहा, एक ही सत है बस,
उसके अतिरिक्त सत्य संसार में कुछ है ही नहीं। बस उसी से दिल लगाओ, उसी से प्यार करो, वही सत है, यही सत्संग है, और कोई सत्संग है ही नहीं। ये सच्चा सच्चा सत्संग है। निरंतर उस सत्य का चिंतन करते रहना, उस सत्य स्वरूप का चिंतन, उस सत्य घर का चिंतन, उस सत्य धर्म का चिंतन, उस सत्य स्वभाव का चिंतन, सत्य में डूबे रहना। ऊपर से सत्य की किरणें निरंतर मुझ में आ रही है, सारे दिन भर कर्म करते हुए भी मैं सत्य के संग में हूं। चौथा डिसेप्शन, पांचवा दोष, इंद्रिय सुखों में एक्सर्शन। बहुत परिश्रम करना पड़ता है तब कहीं इंद्रिय सुख मिलता है, और इंद्रिय सुख थकाता है। अतिंद्रिय सुख में कोई थकान नहीं, अतिंद्रिय सुख तो थकान को मिटा देता है। उस दिन मुरली में था, यहां से दिल्ली तक भी चले जाओ तुम, दिल्ली तक पैदल, तो क्या थकावट नहीं आएगी, अतिशयोक्ति नहीं है, सही में बोल रहा है वो। और शरीरी अवस्था में कितना भी कार्य किया जाए थकान नहीं है, थकान है अर्थात देहभान है, व्यर्थ थकाते हैं। लास्ट संडे की मुरली, कुमारों से मुलाकात। सबसे बड़ा बंधन कौन सा है कुमारों का? व्यर्थ संकल्प। एक्सर्शन है सभी इंद्रिय सुखों में, बहुत भगाते हैं, दौड़ाते हैं। नेक्स्ट फ्लिटिंग, फ्लिटिंग अर्थात क्षणभंगुर। अभी अभी है, अभी भी चले गए, कितना देर सुख मिलता है, कितना देर के लिए सुख है? जब तक यहां से यहां तक जाता बस, उसके बाद पेशेंट आते हैं डायबिटीज, शुगर 300 और 400, क्या करे, वो बना था तो क्या छोड़ दो क्या? बाबा नाराज नहीं हो जाएगा? एक भाई जी एडमिट हुए थे अभी अभी पांडव भवन के सेवाधारी, हार्ट अटैक के साथ, शुगर 400। युगल से पूछा क्या हुआ, दवाई? बोले छोड़ दिए दवाई। क्यों? बोले वो कहते हैं अब बाबा ही मेरी शुगर देखेगा, 6 महीने सब बंद करके रखा है, हम आ गए हार्ट अटैक के साथ, और खाना सब सब कुछ। क्षण भंगुर सुख, अभी अभी मिला, अभी भी गया, वो केवल मोमेंट, उस मोमेंट को अगर कंट्रोल किया जाए, हो गया, जीत हो जाएगी, और उस जीत की खुशी है। वश में हो जाने की कोई खुशी नहीं है, वो तो हो ही रहे द्वापर से। खुशी किसकी है? जीत की। हमें जो वस्तु सबसे ज्यादा टेम्पटेशन वाली है वो वहां रखी, और हम उसको बिना देखे चले गए, तो हमारी खुशी अपनी है। जैसे कोई शराबी है, रोज शराब पीता है, दिन भर संकल्प करता है बहुत बुरा है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, शाम होते ही कदम अपने आप मधुशाला की तरफ, सोचता है आज कुछ भी हो जाए जाऊंगा, दारू की दुकान यहां है पर मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा, ये मेरा अटल संकल्प है। और वो दारू की दुकान के पास से आज जा रहा है, देखता भी नहीं उस तरफ, देखता भी नहीं, और पार कर जाता है, और इतनी उसको खुशी होती है कि जो असंभव कार्य मैंने कर दिया, और अपने मन से कहता है, हे मेरे मन आज तू जीत लिया, इसी खुशी में एक पैक फिर हो जाए, क्योंकि इतना बड़ी खुशी, कुछ तो करना चाहिए ना। वापस चालू, इसलिए छूटता नहीं है, क्योंकि मन धोखा देता है, चालबाज है, कैसे चालाकी करता है हमें समझ नहीं आता है, समय पर धोखा देकर चला भाग जाता है, बहुत शातिर है, बहुत नटखट है,
छोटा सा बच्चा है, बेल बजाने की कोशिश कर रहा है, दरवाजे नहीं हाथ उसका पहुंच रहा है, एक पादरी जा रहा है, पादरी को लगता है मुझे मदद करनी चाहिए, पादरी जाता है, कहता है क्या प्रॉब्लम है, वो कहता है बेल बजानी है तो मैं बजा देता हूँ, पादरी बेल बजाता है, बच्चे से कहता है अभी, बच्चा कहता है अभी क्या है, भागो, क्या करना है अभी, भागो, शरारत, मन भी ऐसा ही शरारती है। तो इंद्रियों के सारे सुख क्षणिक है, अगर उस मोमेंट को क्रॉस कर लो तो कुछ नहीं होता है, फिर वो क्रेविंग अपने आप खत्म हो जाती है, उस क्षण को जीतना है बस। उसके बाद में छठवा, इंद्रिय सुख ज्ञान का दुश्मन है, इंद्रिय सुख ज्ञान का दुश्मन है। आत्मिक ज्ञान से बड़ा इस संसार में और कोई आनंद नहीं, और इंद्रिय सुखों से बड़ा कोई दुश्मन इस संसार में नहीं। ये दो शक्तिशाली महावाक्य है। उसके बाद में अगला, इंद्रिय सुख आदत बनाते, हैबिट फॉर्मिंग है, एडिक्शन क्रिएट करते हैं, जितना उसको भोगो वो पूरे नहीं होते, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ खींचते रहेंगे, बाद में एडिक्शन हो जाता है उनको, आदत सी, लत सी बन जाती है, जैसे वो लत है वैसे इंद्रियों की भी लत है, चाहे खाने की चीज़ हो या देखने की चीज़ हो, स्पर्श करने की चीज़ हो, सुनने की चीज़ हो, एक गीत सुन लिया उसी के पीछे पागल पागल है, अब दिन रात वही 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 गीत, वही गीत, वही गीत, अब वो कैसा भी गीत हो सकता है, पर वो गीत ही एडिक्शन जैसा बन गया, जब तक वो गीत नहीं है अब बाबा से योग नहीं, ऐसा भी होता है, कुछ भी चीज़ एडिक्शन बन सकती है। उसके बाद अगला, जितने इंद्रिय सुख है व्यक्ति में अधैर्यता लाते हैं, अभी के अभी चाहिए, रुक नहीं सकते, उसको कहो थोड़ा रुक जाओ, अधैर्य हो जाता है अंदर, अभी के अभी सुनना है, अभी के अभी खाना है, अभी के अभी देखना है, अभी के अभी टच करना है, अधैर्य भाव लाते, इंटॉलरेंस। अगला, हर इंद्रिय सुख में खतरा है, एक जबरदस्त खतरा है विकार में जाने का, शुरुआत में बहुत सुखद लगता है पर धीरे धीरे विकार की ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए इस यज्ञ में पता नहीं कितने कुमार थे, कहाँ चले गए, हम एक जगह गए थे, एक बड़े भाई थे, कुमारों की भट्टी चालू थी, उन्होंने कहा जो कुमार 40 वर्ष के ऊपर है वह हाथ खड़ा करो, तो उन्होंने कहा भाग्य है 40 वर्ष तक कुमार रह गए, बहुत बड़ी बात है। सेम इधर भी पुरुषार्थ है, वो भी एक कि कहीं आंख नहीं डूब गई, क्योंकि माया विराज्य है, कुछ ना कुछ खींचते रहता है। तो समझना है ये सारे इंद्रियों के सुख है। बाबा ने कहा तुम वनवाह में हो, राम 14 वर्ष वनवास में जैसा रहा वैसा तुम्हारा तपस्वी जीवन होना चाहिए, नहीं तो दुनिया भर की बीमारियां पीछे पड़ जाएगी, और बीमारियां एक बार आ गई तो काहे का पुरुषार्थ, कर सकते हैं पुरुषार्थ, मुश्किल हो जाता है, नहीं कर सकते, शरीर खींचते रहता है ना चाहते हुए भी। अगर ब्रह्मा बाबा 93 वर्ष की उम्र में बैडमिंटन खेलते थे, सीधा बैठते थे, चश्मा नहीं था, इससे पता चलता है कि पूरा जीवन कितना अनुशासन में बिताया होगा, कितना परहेज रखा होगा, कितना कंट्रोल होगा जबान पर।
अगला, सारे इंद्रिय सुख गांठ नॉट गांठे बनाती है आत्मा के अंदर, एक गहरे संस्कार क्रिएट करती है, और जिन संस्कारों से आत्मा मुक्त नहीं हो पाती फिर। जैसे ययाति का ही देखो, उसने कहा कि बस इतना पूरा हो गया, मुझे और थोड़ा जीना है, पर थोड़े होने के बाद फिर से इच्छा उत्पन्न हुई, और आखिर में उसने कहा कि ये इच्छा तो पात्र उस घड़े की जरा है, मटके की तरह, जिसमें 100 छिद्र है, पूरे ही नहीं होते, कभी भरता ही नहीं मटका। इच्छाओं का मटका कांच तक किसी का भरा नहीं है, जो दे दो वो खाली ही रहता है। स्वभाव को समझना है, दबन नहीं करना है इच्छाओं का। इच्छा उत्पन्न हो गई तो दबा दिया, फिर निकलती है, उसका स्वभाव को समझना है और उससे मुक्त हो जाना है। जैसे जैसे जो भी ब्राह्मण बनता है, ज्ञान में आता है, एक धारणा जो सब तुरंत कर लेते हैं, बाकी सभी धारणाएं कच्ची है, अमृत वेला नहीं करता, मुरली नहीं जाता, पर एक धारणा तुरंत कर लेते हैं, वो कौन सी? बाहर का खाना बंद कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? ऐसा कोई ब्राह्मण है जो मार्केट से जाता है और उसको लगता है यहाँ ये बन रहा है खाऊं? कभी नहीं। तुरंत तो ये धारणा होती है, पर विकारों के लिए ये धारणा नहीं हो पाती। उसके लिए कितना पुरुषार्थ चालू है जीवन भर, क्रोध लोभ मोह ये नहीं छूटता। क्यों? क्योंकि उस बात को हमने मन से रिजेक्ट कर दिया है, ये हमारे लिए है ही नहीं, क्रॉस। उसी तरह पुराने संस्कार, ये हमारे है ही नहीं, क्रॉस रिजेक्ट। जितना तीव्रता से वो कर दिया, अगर उतनी ही तीव्रता से ये सारा कर दिया, तो आत्मा कितनी पावरफुल हो जाएगी, कितनी शक्तिशाली हो जाएगी। जैसे उसको रिजेक्ट कर दिया, इसको भी रिजेक्ट कर दे कि मेरा जीवन तपस्वी जीवन है, ये सब चीजों के लिए जीवन नहीं है। नॉट्स गाठे, उसके बाद में इंद्रिय सुखों में अकेलापन है। जब वो नहीं मिलता तो अकेलापन आ जाता है, मिस करने लगता है व्यक्ति उस व्यक्ति को जिसमें मोह है। फोन लगाएगा, कॉल करेगा, मैसेजेस करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि व्यक्ति में लगाव है। मधुबन में आ जाते हैं सेवा करने, तो यहाँ आए, अब यहाँ के रह जाओ, यहाँ से उधर बातें रोज चालू है, वहाँ क्या चालू है, तुमको क्या करना है वहाँ चालू है, वो लोग देख लेंगे उधर का। यहाँ किस लिए आए हो? तपस्या के लिए आए हो, केवल तपस्या करनी है इस भूमि पर आकर। दुनिया भूल जाए ये स्थान कौन सा है, यहाँ हम किस लिए आए हैं, अपने आप को तैयार करने के लिए। अगर यहाँ आकर भी उन्हीं लोगों से, बाबा ने संडे की मुरली में कहा, अगर पुरानी दुनिया पुरानापन होगा तो पुरानी दुनिया आकर्षित करेगी, पुराने लोगों की स्मृति होगी तो पुराने लोग आकर्षित करेंगे, देह के संबंधी खींचते रहेंगे। अकेलापन है, और अतीन्द्रिय सुख आत्मा को भरता है। इसलिए सभी सबसे मुख्य पुरुषार्थ इस ब्राह्मण जीवन का है अमृत वेला। जितना अमृत वेला पावरफुल होगा, सारा दिन अपने आप पावरफुल होगा। जितने अमृत वेले की याद शक्तिशाली होगी, सारे दिन महानता का अनुभव होगा। और जिसका अमृत वेला कम शक्तिशाली है, टाइम अभी तक निश्चित नहीं हुआ है, कभी 4 कभी 3:15 कभी 3:30 कभी 4:15 कभी 4:45 कभी 6, कोई टाइम ही नहीं है, फिक्स नहीं हुआ है अभी तक। तपस्या है 5-5 मिनट की तपस्या है। वो जितना शक्तिशाली होगा, आत्मा जब तक अमृत वेला अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं करती, सारे दिन भर कोई ना कोई इंद्रिय सुख उसे खींचता ही रहेगा। भूख उसकी सुख की है, उसको सुबह नहीं दो तो दिन में मांगेगी। उसकी भूख को भी समझ लो, आत्मा की प्यास किसकी है? सुख चाहिए उसे। अतीन्द्रिय नहीं दोगे तो इंद्रिय चाहिए,
इसलिए उसको अतीन्द्रिय सुख से सुबह भर देना है, और वो केवल सुबह ही हो सकता है। ग्यारह संसार सोया पड़ा है, तब उठकर अशरीरी हो जाना, एक की याद में खो जाना। उसके बाद में इंद्रिय सुखों में रोग है, इंद्रिय सुख एक रोग की तरह है। जैसे रोग होता है तो रोग जब आता है अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लाता है, एक सिम्टम नहीं होता है उसका। बुखार आएगा तो बुखार के साथ बॉडी पेन होगा, बॉडी पेन होगा तो उल्टी जैसा लगेगा, खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, पड़े पड़े रहने की इच्छा होगी। रोग एक रोग कोई एक सिम्टम नहीं लाता, ढेर सारे उसके साथ आएगी। इंद्रिय सुख भी एक रोग की तरह है। बाबा ने कहा है, तुम जन्म जन्म के महारोगी हो। आत्मा को भोग की लालसा है, वो रोग का रूप उसने धारण किया है। उसके बाद में इंद्रिय सुख उसे निग्लिजेंट बना लेता है, कर्मों में लापरवाह बनाता है, क्योंकि व्यक्ति वही सोचते रहता है, उसी व्यक्ति के बारे में, उसी वस्तु के बारे में, उसी चीज के बारे में, उसी शरीर के बारे में। शरीर का चिंतन शरीर मन में चलता है। भूत पूजा कुछ दिन पहले मुरली में था, ये शरीर क्या है, भूत पूजा करते रहता है इसकी, ये मेरा युगल, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये बस इसी संसार में चिपका रहता है, कौन बेटा कौन बेटी। उसके बाद में इंद्रिय सुखों में आउटबस्ट है, अचानक बाहर निकलते हैं। दबा के रखो तो दबे रहेंगे, पर जैसे ही अवसर मिल गया, समय मिल गया, स्थान मिल गया, बाहर निकलेंगे। हमारी ओपीडी में बहुत समय पहले दो कन्याएं आई थी, एक कह रही है कि इसको हर दो दो घंटे में खाने के लिए चाहिए, इसका कोई इलाज करो। हमने कहा कब से, जब से यहाँ आई है तब से, और उधर जहां रहती है वहां नहीं, इधर एक मिनट भी शांत नहीं रहती, उसको कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, दो दो घंटे में। क्यों? उसने कहा ये जहां रहती है वहां हर एक चीज गिन गिन के रखी है, कुछ भी बिना परमिशन के खा नहीं सकते। दमन हुआ है, दबा दिया वहां पर अपने आप को, करना पड़ा। और यहां आता तो खुला मैदान, क्या खाऊं और क्या नहीं। आउटबर्स्ट अर्थात जहां दमन होगा, इच्छाओं का सप्रेशन होगा, जैसे ही अवसर मिलेगा बाहर निकल के आ जाएगी। इसके लिए इच्छाओं का दमन नहीं करना है, इच्छाओं का रूपांतरण करना है, इच्छाओं को समझना है। ये कहना कि नहीं 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 होनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए, हटाओ हटाओ हटाओ, ऐसा करने से नहीं होता है। उसको समझो आई है, कहां से आई है। अब वो जिस सेवा केंद्र या जहां रहती है वहां पे गिन गिन के चीजें हैं, अगर एक भी चीज कम हो गई तो क्लास होती है, 10 गुलाब जामुन बने तो 10 ही रहने चाहिए, एक भी कम हो गया तो कौन है वो। दमन नहीं, सप्रेशन नहीं करना है। अगर हो रहा है कुछ, मन में आ रहा है, साक्षी होके उसका अध्ययन करना है, क्या है ये। जैसे एक सन्यासी जंगल में बैठ के तपस्या कर रहा है, अचानक उसके मन में आया मुझे जलेबी खानी है। उसने लगा ये क्या है, मैं 10 साल पहले कभी खाई होगी, आज ये कहाँ से आ गया अचानक तपस्या करते करते, ना मैं किसी से बात करता हूँ, मेरी अपनी कुटिया है, अकेला रहता हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, ये इच्छा आई कहाँ से, और वो बार बार जलेबी घूम रही है, क्या करूँ। वो गया मार्केट में, जलेबी खरीदी, लेके आया, ध्यान में बैठा, जलेबी दिखी, आंखें खुली, उसको उठाया और मन को कहा, मन ये है जलेबी, देख ली और फेंक दी, फिर कभी इच्छा नहीं हुई। दमन नहीं करना है, समझना है उसको, ज्ञान के साथ जोड़ना है, भगवान क्या कहता है इस बारे में,
ये इच्छा जो आई है भगवान के महावाक्य क्या है इसके लिए। उसके बाद में है इंद्रिय सुख हमें षड्यंत्र करने में मजबूर करता है। अगर वो नहीं मिला तो क्या करती है आत्मा, षड्यंत्र करेगी, कोई ना कोई झूठ बोलेगी और उसको हथियाने की कोशिश करेगी, यहां तक उसको लेके खींच कर लेके आती है। उसके बाद में इंद्रिय सुख कन्फ्यूजन की अवस्था में डाल देती है। मन कन्फ्यूज होता है, करूँ कि नहीं करूँ, नहीं करूँ कि नहीं करूँ, निरंतर कन्फ्यूजन की अवस्था रहती है, समझ ही नहीं आता है क्या हो रहा है। अब तक सब ठीक चल रहा था, अब तो योग खत्म हो गया, क्योंकि योग में भी वही चिंतन चलते रहता है। वो व्यक्ति हो सकता है, शरीर हो सकता है, वस्तु हो सकती है, भोग खाने की वस्तु हो सकती है, कोई कल्पना, कोई स्मृति, कोई पुरानी याद, कुछ भी हो सकता है, वो घेर रहा है, घूम रहा है बुद्धि में, गुल 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 गुल। और अगर हो भी जाए, समझना है उसको, ये क्यों हो रहा है, कहां से हो रहा है। उसके बाद में अगला है रिपेंटेंस, पश्चाताप। कोई भी इंद्रिय सुख ऐसा नहीं है कि जिससे पश्चाताप ना हो, हर इंद्रिय सुख भोगने के बाद पश्चाताप थोड़ा बहुत तो होता ही है। मन कहता है ये नहीं करना चाहिए था, फिर समझाता है अच्छा ठीक है ओके। उसके बाद में हर इंद्रिय सुख व्यक्ति को सेल्फिश बना देता है, स्वार्थी। हम अपने बारे में सोचने लगते हैं बस, दूसरे के बारे में सोचना बंद। वो उदारता और वो बड़ी बड़ी बातें कहाँ रह जाती है, क्योंकि बस मुझे मिल जानी चाहिए ये वस्तु, बस स्वार्थ हो जाता है। उसके बाद में इंद्रिय सुखों में टेम्पटेशंस है, 20वां इंद्रिय सुखों में क्या है, टेम्पटेशन से। एक जगह रुकते नहीं हो, एक के बाद होते ही रहते हैं, और लास्ट बहुत गंदे हैं इंद्रिय सुख, बहुत गंदे, छी छी। अगर उनकी वास्तविकता को देखो तो वैराग आ जाएगा, ये आश्चर्य होगा लोग उसमें डूबे कर क्या रहे। राम की अवस्था का वर्णन है योग वशिष्ठ में। राम अभी वन में गया नहीं है, घर में ही है, राजमहल में भी है, पर वो जो सारी भोग वस्तुएं देखता है, अप्सरा है, नृत्य कर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसे लगता है दया आती है वो सुख देखकर उनको, इतना वैराग उसके अंदर पहले से भरा हुआ है, ऐसा दिखाया है। तो हमारी भी अवस्था ऐसी वैरागी अवस्था हो, वैरागी अवस्था में ही तपस्या की जा सकती है। जो बुद्धि ये सोच रही है क्या खाऊं और क्या पहनूं, किससे मिलूं, उससे मिलूं, उससे मिलूं, इसको फोन करूं, उसको फोन करूं, तपस्या कर सकती है क्या? तपस्या के लिए एकांत चाहिए, एकाग्रता चाहिए, स्थिरता चाहिए, तो ही तपस्या हो सकती है। बुद्धि सबसे बाहर निकली हो, किसी की याद नहीं, एक जैसे तपस्या में बैठे तुरंत परम धाम में कितना फास्ट हम जाते हैं। एक होता है कितना टाइम लगता है पहले संसार के चिंतन से बुद्धि को बाहर निकालो, शरीर से बाहर निकालो, फिर मैं आत्मा हूँ, सूक्ष्म वतन, परम धाम, बैठो और सीधा परम धाम। ये अवस्था तब होती है जब मन कहीं पर भी अटैच नहीं है, किसी में भी अटैच नहीं है। जितना जितना व्यक्तियों से के अटैचमेंट से आत्मा मुक्त है, उतनी वो पावरफुल है। तो ऐसी 21 बातें हैं। इसके लिए इंद्रियों के स्वभाव को समझना है, इंद्रियों की उत्तेजनाओं को समझना है, कब उत्तेजित होती है वो। ऐसे ही उत्तेजित नहीं होती है, कुछ देखकर, कुछ सुनकर, कुछ याद करके, किसी स्पर्श से। 4 स्टिमुलस है, ऑडिटरी, विजुअल, टैक्टाइल टच, और चौथा साइकोलॉजिकल। ये 4 स्टिमुलस है। कुछ बात याद आ गई तो उत्तेजना होगी, किसी स्पर्श से उत्तेजना होगी, सुनने से उत्तेजना होगी, कुछ देखने से उत्तेजना होगी। इसलिए हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या टच कर रहे हैं और किन बातों को बुद्धि में ला रहे हैं। आज की मुरली में देह असत है, सत्य संग अर्थात बाप का संग, देह का संग करना अर्थात असत्य संग। तो कबीर कहता है क्या तन मांझता रे,
ये तन को क्या मांझते बैठे हो, कभी घिस कितना भी घिसो साफ होने वाला है क्या? ये सुंदर बनने वाला है? सुंदर केवल पवित्रता से बनेगा। इस शरीर को के पीछे पागल नहीं होना है। हाँ, इसकी संभाल करना एक दूसरी बात है, और संभाल के लिए ही संयम आवश्यक है। जो जितना संयमित वो उतना स्वस्थ, जो जितना भोगी वो उतना रोगी। क्या तन मांझता रे, इस तन से उपराम जाना है। ओम शांति। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले हो, पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना हे, समय चूक पछताना। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। जना मिल गढ़ी बनाई चढ़ा काठ की डोली, चार जना मिल गढ़ी बनाई चढ़ा काठ की डोली, चारों तरफ से आग लगा दी ए हो, चारों तरफ से आग लगा दी, फूंक दैर जैसे होरी हे, फूंक दैर जैसे होरी। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। हाड़ जले जैसे बन की लकड़िया, केस जले रे जैसे घासा हे, हाड़ जले जैसे बन की लकड़िया, केस जले जैसे घासा रे, हाड़ जले जैसे बन की लकड़िया, केस जले जैसे घासा, कंचन जैसी काया जल गई ए हो, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना ये पासा हे, कोई ना ये पासा। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। तेरी तेरी आरो वै, तेरा दिना तेरा भाई, तीन दिना तेरी तेरी आरो वै, तेरा दिना तेरा भाई, जन्म जन्म तेरी माता रो वै, जन्म जन्म तेरी माता रे रोवे, करके आस पराई हे, करके आस पराई। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। माटी ओढ़ना माटी बिछोना, माटी का सिरहाना रे, माटी ओढ़ना माटी बिछोना, माटी का सिरहाना रे, माटी ओढ़ना माटी बिछोना, माटी का सिरहाना। कहे कबीरा सुन ले रे बर्दे हो, कहे कबीरा
का सुन ले रे बंदे ये जग आना जाना हे ये जग आना जाना क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना।